हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चने की दाल की रेसिपी। केवल दो चीजों से, चने की दाल और आटा। ये मैंने 4 घंटे पहले भिगो दी थी। ये देखिए अच्छे से फूल गई है। अब ये हम पीस के इसका पेस्ट बना लेते हैं, दरदरा सा। बहुत ज्यादा महीन नहीं करना है। अब मैं एक जार लेती हूँ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये ज्यादातर ये यूपी साइड में बहुत बनती है। इसे हम बोलते हैं पनगोजे। हम इसको दरदरा पीस लेंगे। इसमें हम 4-6 हरी मिर्च डाल देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट। बाकी और चीजें हम बाद में डालेंगे, पहले हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए दाल पीस के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और मसाला डालती हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च, सूखा धनिया, थोड़ी सी 1/4 टीस्पून हल्दी, और 1 चुटकी हींग। स्वाद अनुसार नमक थोड़ा ही डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि आटे में भी डालना है। अभी दाल तैयार है हमारी, मैं तब तक आटा गूंथ देती हूँ। ये हमने 2 कटोरी आटा लिया हुआ है, इससे नाप के। अब मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालती हूँ, थोड़ा सा क्रश करके इसको, जिससे कि अच्छी खुशबू आ जाती है। और 1/2 टीस्पून नमक। मैं इसको आटे को गूंथ लेती हूँ। एक पूरी की डोकी जैसा बनाना है इसको, बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है। ये देखिए आटा हमारा गूंथ गया। अब मैं एक बर्तन में पानी बॉईल होने रख देती हूँ। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लूंगी इस तरह से। अब मैं इसकी पूरी बेल लेती हूँ। इस तरह सभी पूड़ियां हम बेल के रख लेते हैं। देखिए हमारी पूड़ियां बेल चुकी हैं, और बहुत ज्यादा ना मोटी बनानी है ना पतली, इस तरह की बनानी है पूड़ियां। अब मैंने इसको इस तरह से इसमें रख के थोड़ा
थोड़ा सा किनारे पे पानी लगाना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसी तरह हमने सारी कुछें भर के रख लेनी है। हल्का सा पानी लगा के इसको हमने इस तरह से चिपका देना है। अच्छे से चिपका दे जिससे कि पानी में ये खुल ना जाए। ये देखिए हमारी सारे पनगोजे भर के तैयार है। अभी हमारा पानी भी ये देखिए पानी भी हमारा उबल गया है अच्छे से। अब मैं इसमें इसको उबलने के लिए डाल देती हूँ। कम से कम हमें ये 10 मिनट तो उबालने ही हैं। अब इसको हम थोड़ा ढक देते हैं, जल्दी उबल जाएंगे। ये देखिए हमारी अब उबलने वाली है ये पनगोजे। थोड़ा सा हम एक बार इसको पलट देते हैं जिससे कि दोनों तरफ अच्छे से हो जाएंगे। बस 2 मिनट के लिए और ढक देते हैं हम इसको। ये देखिए कितने अच्छे से उबल गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, गैस बंद कर देती हूँ। उबलने के बाद सख्त हो जाते हैं, तभी पता चलता है ये उबल चुके हैं। अब जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक मैं अपना मसाला तैयार कर लेती हूँ। हमने ये बर्तन लिया है, अब मैं इसमें मसाला तैयार करती हूँ। अब मैं इसमें डालती हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल। ये ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ जीरा, ये हमने देखे प्याज ली हुई है 2 बड़े प्याज अच्छे चॉप करके। इसमें प्याज थोड़ा ज्यादा लगती है तभी मसाला अच्छा बनता है इसका। ये देखिए हमने 2 हरी मिर्च काट के रखी हुई है, 2 हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये ऑप्शनल है, आप अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप ना डालें, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। देखिए मैं इनको अब काट लेती हूँ जब तक प्याज हमारी भुन जाती है। इस तरह से छोटे छोटे पीसों में ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं खाने में, तो और भी टेस्टी लगेंगे। आप जरूर बनाकर देखिए।
प्याज हमारी भून चुकी है, अब मैं इसमें डालती हूँ मसाले कुछ, जैसे कि आधे टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून धनिया, एक टीस्पून लाल मिर्च, इसको थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा सा नमक मसाले के अनुसार, क्योंकि बाकी तो और आटे में भी पड़ा हुआ है, दाल में भी पड़ा हुआ है मसाला, प्याज व्याज बढ़ गया, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, बाकी आप टेस्ट के अनुसार डालिए। हल्का सा पानी डालते हैं जिससे कि हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। हाफ टी स्पून गरम मसाला, इसका तो टेस्ट ही अलग आता है। मैं इसमें ये डालती हूँ पनभोजे और अच्छे से मसाले में मिला लेती हूँ। इसमें हम डालते हैं हरा धनिया और ये हो गए हमारे पनभोजे तैयार। ये सर्व करने के लिए अब तैयार है। आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको कैसे लगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।